न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर हमें मिल रही है बदायूं से, जहां पर राम भरोसे स्कूल चल रहे हैं। जी हां, सरकार बच्चों के भविष्य को संवारने, उन्हें पढ़ाने और अध्यापकों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से कराने के लाख दावे कर ले, लेकिन शासन द्वारा किए गए दावों की पोल बदायूं का एक विद्यालय में तैनात शिक्षक खोल रहा है, जहां गुरुजी कई कई दिन विद्यालय नहीं आते हैं और फर्जी तरीके से विद्यालय के उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं। हालांकि जब गुरुजी की करनी पकड़ी गई तो गुरुजी विद्यालय से नदारद मिले हैं और उपस्थित रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज थी। हालांकि मौके पर जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी नारायण पहुंचे, जिन्होंने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की और चले गए। स्मार्ट सिटी का तमगा लगने के बाद बुलंदियों का हाल बेहाल हो गया है। कभी वाटर टैक्स अफसर मालामाल, कभी हाउस टैक्स, कभी वाहन चालान के नाम पर लूट की जा रही है। अफसर भी आंखें बंद करके लूट पात्रों पर अपनी चिड़िया बैठा रहे हैं और जनप्रतिनिधि आंख और मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। सरकार गरीबी हटाने की बात करती है, पर गरीबों का ही खून चूसने का काम हो रहा है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी सीओ यातायात से साल 2023 में हुए चालानों की सूची मांगी, जिसमें चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा दी गई सूचना में बताया गया है कि यातायात क्षेत्र अंतर्गत इस तरह चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 56,000 चार पहिया वाहन, 7,000 तीन पहिया और 86,000 दुपहिया वाहनों का चालान किया गया है। अमेठी कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा पहुंचे हरगांव बाबा सिद्धार्थ धाम, जहां बाबा सिद्धार्थ जी महाराज का किया दर्शन पूजन। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का फूलमालाओं से स्वागत किया। हरगांव के कांग्रेस प्रत्याशी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। हरगांव के बाबा सिद्धार्थ धाम पर आयोजित हुआ था कार्यक्रम। उन्होंने कहा साहब, यहाँ की खेती पंजाब और कई लड़ी लड़ाओ गेहूँ पैदा कर सके, तो उसके बाद यहाँ पे जो हुआ राजीव जी के टाइम पे विकास की जो रूपरेखा शुरू हुई, यहाँ पे सबसे पहले सिंचाई के वो एक नहरों का जाल बिछा, उसके बाद ऊसर सुधार का यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ। कासगंज में भतीजे की मौत पर गम नहीं सह सके ताओ। भतीजे की मौत की खबर सुनने के बाद कुछ देर ताओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कैंसर की बीमारी से पीड़ित भतीजी प्रेमलता का लखनऊ के अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान भतीजी प्रेमलता की मौत हो गई। एक ही परिवार की दो मौत होने से कोहराम मचा हुआ है। गाँव में मातम का माहौल है। आपको बता दें कि मृतक ताओ बिहारी लाल पुलिस में दारोगा से रिटायर्ड थे। कासगंज जिले की तहसील सहावर क्षेत्र के बधारी कला गाँव का ही पूरा मामला है। भले ही सरकारें जाति भेदभाव खत्म करने का दावा कर रही हो, लेकिन आज भी कुछ लोग जाति को लेकर भेदभाव कर रहे हैं, जो खुद को समाज का बड़े ठेकेदार समझते हैं। हद तो तब हो जाती है जब भेदभाव शिक्षा के मंदिर में हो, उससे त्रस्त होकर पीड़िता आत्महत्या करने पर उतारू हो जाए। ऐसा एक मामला प्रकाश में आया, जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत रोजगार प्रशिक्षण लेने के लिए भेल स्थित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण केंद्र आरा मशीन पर हॉस्टल में एडमिशन हो गया। पीड़िता सरकार निवासी महिमा अरिवार का आरोप है कि प्रशिक्षण केंद्र में तैनात प्रशिक्षण देने वाली महिला टीचर और अन्य छात्राएं उससे इसलिए बुराई मानती थी क्योंकि वो अनुसूचित जाति की थी। उसका आरोप है कि उससे हॉस्टल में लगातार भेदभाव किया जा रहा था, उसे वहां से भगा जाने को कहते थे, हॉस्टल छोड़कर ना जाने पर उसे गायब करने और मारपीट करने की धमकी देते थे। इन लोगों ने धमकियां और उत्पीड़न से त्रस्त होकर छात्रा ने हॉस्टल की छत से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोकसभा चुनाव 2024 का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। ब्लॉक मेहरौनी के ग्राम उल्दना कला में चुनाव का बहिष्कार हुआ। गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं देने का आरोप सरकार पर लगा है। गांव में लाइट और रोड नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने गांव में पंचायत लगाकर चुनाव का बहिष्कार किया। गांव में रोड और लाइट नहीं होने की वजह से ग्रामीण लगातार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। गांव में रोड और नाली नहीं होने से खुले में नाली का गंदा पानी बहता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। गांव में रोड, लाइट, बिजली नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। गांव की लड़कियों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। रिश्तेदार आते ही गांव की असुविधा देखकर मना कर जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहली बार सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान नगर के सुपरमार्केट से सपा कार्यालय में उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही आगामी 18 मई को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की होने वाली जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया।
वहीं मीडिया से रूबरू होने पर प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। आपको बता दें कि श्यामलाल पाल ने कहा कि बीजेपी को हटाने और इंडिया गठबंधन को लाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को देश से खत्म करने और भारतीय संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, ओबीसी एससी एसटी के साथ दुर्व्यवहार इत्यादि को लेकर इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में है। कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक नाबालिग युवती ने फैज नाम के युवक के ऊपर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत की। जहां पर कानपुर के बेकनगंज निवासी फैज मलिक ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम अंकित ठाकुर रखकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर मिलने के बहाने एक हुक्का बार में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद से लगातार धर्मांतरण करने का दबाव बना रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की बजरंग दल को जानकारी हुई तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामला संज्ञान में लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने बताया उसकी माँ बाप का निधन कई साल पहले हो गया था, अब वो अनाथ है। फैज ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब की बार हाथ काटने की भी कोशिश की। इस प्रकरण में दो लड़कियां सुनैना शुक्ला और सौम्य के साथ और भी कई लोग उसकी साजिश में शामिल हैं। प्रतापगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीआईसी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते समय इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन देश में 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री देगी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था 11% थी, आज मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था 5% है। मोदी की तीसरी सरकार में विश्व में तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेठी से तो गायब हो गए, इस बार रायबरेली से भी गायब हो जाएंगे। मोदी ने कहा कि उनके शरीर का एक एक कण देश की जनता के लिए। इंडिया गठबंधन तुष्टिकरण की राजनीति करती है, वो जिहाद के नाम पर वोट मांग रही है। इनकी सरकार आई तो मंदिर में ताला लगाकर पुनः टेंट में भगवान राम को भेज देंगे, लेकिन मोदी के रहते ऐसा नहीं होने वाला है। मोदी के बार बार 400 पार नारे का मतलब भाजपा इस बार हार रही है और उनकी हार की हताशा बता रही है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन 400 सीटें जीतकर बड़े बहुमत से केंद्र की सरकार बनाने जा रहा है। ये बातें सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री यूपी से अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल के जनसमर्थन में फतेहपुर शहर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास से किसान बेहाल है, 50 किलो की यूरिया खाद अब 40 किलो ही बेची और पहले से ज्यादा दाम भी देने पड़ रहे हैं। हरिद्वार के शहरी और देहात क्षेत्रों में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल द्वारा जनपद में अभियान चलाकर बाइक चोरी की घटनाओं की रोकथाम को सभी थाना कोतवाल प्रभारी को सख्त निर्देश दिए गए। इसी अभियान में ज्वालापुर पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान ग्राम सराय निवासी शातिर चोर इनाम को भेल से गिरफ्तार कर चोरी की 4 बाइकें बरामद की है, जिनके बाद इनाम को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। चमोली में जिला कारागार में तैनात डिप्टी जेलर पर बिजनौर निवासी एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हिंदू परिषद संगठन के पदाधिकारियों ने चमोली थाने पहुंचकर युवती को न्याय दिलाने आरोपियों को निलंबन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक जिला कारागार पुरसाड़ी में तैनात डिप्टी जेलर नईम अब्बास को घायल स्थिति में जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जेलर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले में नया मोड़ तब आया जब बिजनौर निवासी एक युवती ने डिप्टी जेलर पर गंभीर आरोप लगाए। युवती के अनुसार जेलर लंबे समय से उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, शोषण कर रहा था। केदारनाथ यात्रा में आ रहे यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के चलते गुरुवार को पुलिस और यात्रियों के बीच भिड़ंत हो गई। कोतवाली सोनप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत शटल पार्किंग जाने के लिए पुलिस के स्तर से आने वाले यात्रियों को कतारबद्ध करते हुए अपनी लाइन में लगने के लिए अनाउंसमेंट करने के साथ ही लाइन लगवाई जा रही है। इसी प्रकार की व्यवस्था बनाते समय कुछ यात्रियों का एक समूह लाइन में ना लगते हुए सीधे आगे बढ़ने लगा। ड्यूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मी ने इनको रोकने की कोशिश की, पर ये नहीं माने। इनके द्वारा पुलिस बल के साथ अभद्रता की गई और मारपीट पर उतारू हो गए थे, जिस पर इन यात्रियों के समूह में से उग्र होकर मारपीट के लिए उतारू होने वाले यात्रियों को पुलिस के स्तर से शांत कराते हुए उग्र होने से बचाया। पुलिस के स्तर से इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है।
पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से कैलाश के लिए रवाना हो गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु मौजूद थे। सेना के बैंड की मधुर ध्वन और पुष्प वर्षा के बीच डोली को रवाना किया गया। गोपीनाथ मंदिर से गोपेश्वर गांव होते हुए मंडल मार्ग से डोली मंगौल गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों द्वारा डोली का विधि विधान से स्वागत किया गया, पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डोली सगर गांव पहुंची और वहां पर भी ग्रामीणों द्वारा डोली की पूजा अर्चना कर अर्घ लगाने के साथ मनौतियां मांगी गई। और मैं यहीं उखीमठ गढ़वाल प्रांत का रहने वाला हूँ। मैं दो बार पहले भी रुद्रनाथ जा चुका हूँ और हम सभी लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अभी हम सभी लोगों ने डोली के साथ रुद्रनाथ जी के दर्शन करने का प्लान किया है। पौड़ी जिले के राजकीय जूनियर हाई स्कूल पेडुला के छात्रों को मिलने जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचे विधायक राजकुमार पौड़ी ने फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बच्चों को से बातचीत करते हुए नजर आए, जहां चिकित्सकों ने बताया कि बच्चों की हालत में काफी सुधार है। इस दौरान विधायक ने अस्पताल के चिकित्सकों को बच्चों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। इस मौके पर CMS डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी, डॉक्टर अड्डावाला और विजय बाबू, भारतीय जनता पार्टी के OBC मोर्चा जिला अध्यक्ष सरजीत तोमर, पौड़ी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विवेक ममगई और लक्ष्मण मौजूद रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान सुल्तानपुर में अजीब तानाशाही देखने को मिली। प्रवेश परीक्षा के पहले एंट्री गेट पर बच्चों के हाथों पर पहले गलावे और माले तक उतरवा दिए गए। मामला सोशल मीडिया पर उछला तो विश्वविद्यालय प्रशासन सफाई देने लगा। दरअसल पिछले दो दिन से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। इसी के तहत सुल्तानपुर के गोसाईगंज के आंगन कोल स्थित तबिश पब्लिक स्कूल में बच्चे प्रवेश परीक्षा देने पहुंचे हुए थे, लेकिन एंट्री गेट पर लगे कर्मचारी ने बच्चों के हाथों में बंधे कलावे और माल उतरवाने शुरू कर दिए। बच्चों और अभिभावकों से विरोध किया तो उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। बेचारे छात्र क्या करते, माला उतारे कलावा उतारा, उसके बाद प्रवेश परीक्षा की एंट्री दी गई। गाजियाबाद के साइट फोर साहिबाबाद की गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग भयंकर थी, जिससे काले काले धुएं के गुब्बार बनकर निकल रहे थे। साहिबाबाद साइट फोर की LLP प्लांट नंबर 4117 कंपनी जेंसेंस कॉर्पेक के मालिक अंशु जैन हैं, जिनकी कंपनी में अचानक देर रात आग लगने से अफरातफरी मच गई। CFO अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद राहुल पाल ने बताया, सूचना मिलते ही 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। फैक्ट्री के शटर और छत पर लगी टीन को काटते हुए चारों तरफ से आग को बुझाते हुए काबू किया गया। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को गुरुवार देर शाम श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर गाड़ियों को रोका गया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए श्रीनगर में रुकने की अपील की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जाने वाले रूट पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए श्रीनगर में ही यात्रियों को रोका गया है। कहा कि NIT खेल मैदान में यात्रियों को रोका जा रहा है, उन्हें बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को जाम खुलने के बाद ही यात्रा करने की अपील की गई। कहा कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए श्रीनगर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हरिद्वार के भाद्राबाद के ग्राम बोंगला के क्षत्रिय समाज के लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती धूमधाम के साथ मनाई, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजा और विभिन्न प्रकार के रस सजे हुए थे, जो ग्राम बगौला से शुरू हुए थे। गली मोहल्ले से जाते हुए भाद्राबाद में बाजार होते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर सभा के रूप में समाप्त हुए, जहां वक्ताओं ने उनके चरित्र को लेकर वीरगाथा ये सुनाई। वक्ताओं ने पृथ्वीराज चौहान के चरित्र की प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।